ओम शांति। आज है 30 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य। आज रूहानी क्षमा शिव बाबा हम रूहानी परवानों को कहे कि ऐसी अचल अडोल अवस्था बनानी है जो अंत में एक बाबा के सिवाय कोई की भी याद न आए। क्षमा आए हैं हम परवानों को साथ में ले जाने के लिए। फिर आज बाबा ने हम फायर ब्रिगेडर है यह स्मृति दिलाते हुए कहा कि सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। विकार ही सबकी सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ बताया, जितना योग बल जमा करते जाएंगे उतना विकारों पर विजय पाएंगे। और कहा, बेहद का सर्वोदया लीडर एक ही बाप है जो सारे विश्व पर दया कर विश्व को बदला लेते हैं। फिर कहा, बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, तो यह साक्षात्कार होते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाबा की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ श्री कृष्ण को देखना व साक्षात्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मनन चिंतन के लिए कहा कि हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ, यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो सौभाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, ओना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करे। फिर लास्ट में नशे की बात बताई कि तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई है, खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। फिर कहा, यह कमाई है चुपचाप करने की, कर्म इंद्रियों से कर्म करो परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है, यह जबरदस्त कमाई है। बाबा की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए, ऐसी अवस्था पक्की हो जाए जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। आज मुरली से प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। तो बाबा ने कहा, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है, यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है, इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेडर बनना है, सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए, किस द्वारा? बाबा कहते हैं, सारा ज्ञान किस द्वारा जाना जा सकता है? ज्ञान के सागर बाप द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परमधाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक शिव बाबा के। बाप कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की हो जाएंगी जो सिवाय एक बाप की याद के और किसी की भी याद न आए। तुम बच्चे जानते हो, क्षमा शिव बाबा आए हैं परवाने अर्थात हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं, प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी, पुरानी दुनिया का विनाश हो नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होनी है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं, राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भाती बनते हो
तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का, सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है, उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पतित कामी को कहा जाता है। हे काम की आग अर्थात भूत को भस्म करने वाले आओ, यहाँ मेजोरिटी तो पतित हैं, भल कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ इनको कैसे बुझाओ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह हैं जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं, वहां न रावण होता न मनुष्य के दुश्मन होते। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य, कार्टून में भी दिखाया है। वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य, देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी हैं। यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था, है उन्हों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे, अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं। समझाकर फिर कहते हैं, बुद्धि में धारणा होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। यह बाप कहते हैं, तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखलाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं, भगवान से क्या मिलेगा, जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय है, वह बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का रचता होगा, और स्वर्ग का रचता राजाएं देते हैं, जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है, फिर ले रहे हैं। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल इस कहानी में सुनाते हैं कि भगवान ने नारद को बोला कि सृष्टि पर जाओ, जहाँ मनुष्य बहुत दुखी है, क्या तुम वैकुंठ में चलेंगे। तुम बच्चे भी पूछते हो, चलेंगे वैकुंठ में, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, और कोई को भी मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे। परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती, बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं, तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। यह साक्षात्कार होते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल, पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं, ऐसा बनते नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो सौभाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में, यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भल सन्यासी हैं, वह कहते हैं, हम शरीर छोड़ जाई ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो जा कैसे सकते हैं। ले जाने वाला है ही एक राम शिव बाबा, सभी बच्चों को ले जाएगा, आपे ही तो कोई जा नहीं सकता,
पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं, अनेक मत मतांतर हैं, गुरु गोसाई आदि करोड़ों की अंदाज में हैं, सबकी अपनी अपनी मत हैं। भल कहते हैं अपना ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और खलास, आते तो बहुत हैं परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़ आवे यह नहीं हो सकता, इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े, कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे बड़ा मुश्किल है। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की जट परीक्षा ली जाती है। देखे गुरु पना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है। बाबा किसी को भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वह जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े, श्रीमत जो कहेंगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। यह मालूम नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसे प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए, मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़े ही मत दी जाती हैं, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की, बाकी खुद बैठ समझे यह नहीं। यहाँ कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ, फिर जब किसी को समझावे वह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं परंतु अच्छी तरह समझते नहीं हैं, ज्ञान के मतवाले बनते नहीं। इस समय सब है भक्ति के मतवाले, जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। सब भगत ठहरे, भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। यह है रावण राज्य, इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नर्क, रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकने चाहिए, ओना अर्थात लगन रहनी चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है, बहुत समाचार आते हैं, बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले, कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित आदि बहुत हैं, वह बहुत तीखे हैं, कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर देते हैं, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं, अर्थात जो ज्ञान के होशियार बच्चे हैं उनको समझाने के लिए भेजते हैं। समझते हैं यह हमारे से होशियार हैं, प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मांगते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, उसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो यह तो हम जानते हैं, यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं, अब हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ भी नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति सतो प्रधान में आते हैं। इसलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता सर्वोदया, सर्व में सारी दुनिया आ जाती है, सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। वह सब है अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले, बेहद का सर्वोदया लीडर एक ही शिव बाबा हैं, सारे विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे,
परंतु इतना भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। दो अक्षर भी बैठ जाए तो अच्छा है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, एक दो को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापन करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिर पाठ शुरू होगा। यह बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में फिर ऊंच पद पाना चाहिए। यह कमाई है चुपचाप करने की। कर्म इंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन शिव बाबा की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रहे, पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी समान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो, वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहे तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। आज का स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति।